अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10th क्लास हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया, सो वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 15 एंड इट्स अबाउट वाटर। ठीक है, बिल्कुल एक उस चीज के बारे में जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन हमें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है जितना हम पढ़ने के बाद हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने खुद ही पढ़ना है, मैं बस इसको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास इसमें यह बताई गई है कि वाटर की सिग्निफिकेंस, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादातर 70% जो है वाटर से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे एक्वेटिक लाइफ को अगर आप डिस्कस कर लो। ठीक है, बहुत सारे सेल्स की ये फंक्शन करवाते हैं, हमारी अपनी बॉडी में स्वेटिंग जैसे है, टेम्परेचर का बैलेंस करवाता है। ठीक है, कुकिंग के लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग के लिए, मतलब पोर्टेबल वाटर की अगर हम बात करें। उसके अलावा केमिकल्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे हमारे पास जो है वो इसके वेज हैं, और उसके फिर कुछ ज्यादा बुरे इफेक्ट्स भी हैं। जब हम पॉल्यूटेड वाटर, वाटर को पॉल्यूट करते हैं और वो अगर यूज करते हैं तो हमारी हेल्थ पे बुरे असर पड़ते हैं। सो बेटे, हेयर फ्रॉम हेयर मैं यहाँ से बता रही हूँ, आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से पढ़ना जरूर है। अकरेंस ऑफ वाटर, द ओशन कंटेन्स अबाउट, अकरेंस की बात हो रही है, दैट इज 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप, ग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। जो हमारे पास ओशन जो है वो 97% जो दुनिया का पानी है वो बनाते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग 3% है वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास? वो हमारे पास ग्लेशियर, आइस कैप, ग्राउंड वाटर और इनलैंड से फर्दर मुराद रिवर, लेक और स्ट्रीम्स है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ओशन और ये हमारे पास बाकी जो प्रोपोर्शन है उसके अलावा वाटर वेपर की सूरत में एटमोसफेयर में मौजूद है। सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पज ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। अब सी वाटर को हम फ्रेश वाटर नहीं कहते, सी वाटर को हम कहते हैं मैरीन वाटर। मैरीन वाटर का दूसरा मतलब होता है सॉल्टी वाटर। ठीक है, सॉल्टी वाटर, इसलिए हम फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दो टाइप्स हमने बनाई हुई है। तो सी वाटर इज सॉल्टी वाटर, क्योंकि उसमें सॉल्ट की बहुत ज्यादा कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स हैं, और इसकी वजह से ये ड्रिंकिंग या कुकिंग के लिए यूज नहीं होता। ओनली 0.2% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग विच वी कैन यूज। ठीक है, ये हमारे पास अकरेंस की बात आ रही है कि 97% जो है वो हमारे पास क्या है, तकरीबन अगर हम 97% की बात करें तो वो हमारे पास है ओशन की फॉर्म में। सिर्फ मैं इसको थोड़ा स्मॉल करती हूँ, ठीक है, और बाकी ये वाला पोर्शन, ये जो आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा है, ये 3% वाला हम इसको कहेंगे। तो 2% जो है वो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स हैं। ठीक है, और ग्राउंड वाटर इतना है, इनलैंड यानी रिवर स्ट्रीम लेक इतना है, और एटमोस्फेरिक वाटर इतना है, ये इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज कम्पोज ऑफ टू एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द एटम ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइन विद द टू एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब आपको पता है वाटर के स्ट्रक्चर से यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर कि ये कैसे है, H2O। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, और ये क्या बना देंगे हमारे पास, वाटर बना देंगे। ठीक है, हियर यू कैन सी। उसके अलावा प्योर वाटर इज, अब अगर हम प्योर वाटर की बात करें, इज क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। अब जो प्योर वाटर है उसके अंदर ना कोई गंध होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होगा। इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिटमस पेपर को ये कोई रिएक्शन नहीं देता, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल रहता है, ये अपना कलर चेंज नहीं करता। द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0°C और बॉइलिंग इज 100। ये आपको ऑलरेडी पता है चीजें कि हमारे पास इतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और इतना हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 g/cm³ एट 4°C। 4°C पर इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो इतनी है।
इट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम तर यूनिवर्स की चीजों को या मैक्सिमम यूनिवर्स की चीजों को ये अपने अंदर हल कर लेता है। ठीक है, इट हैज यूजली हाई हीट कैपेसिटी अबाउट 4.2 ठीक है जाउल पर ग्राम पर केल्विन, विच इज अबाउट 6 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ रॉक्स। रॉक्स की निस्बत इसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है, दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ एटमोस्फेयर विद इन द लिमिट। अब ये जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर एक लिमिट पर है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट कैपेसिटी वाला जो एक फीचर है वाटर का, उस वजह से है। अदरवाइज डे टाइम टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई टू बियर, नाइट टाइम टेम्परेचर वुड हैव टू लो टू फ्रीज एवरीथिंग। अगर हमारे पास हीट कैपेसिटी ना हो वाटर की ये इतनी जितनी है, तो दिन में इतनी गर्मी हो जाए कि हम बर्दाश्त ना कर सकें और रात को इतनी ठंड हो जाए कि हम फ्रीज हो जाएं। इट हैज आल्सो हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसकी ज्यादा हाई है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी हाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का जो मतलब है वो समझने वाला है कि ये देखें, ये हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कैपिलरी एक्शन का मतलब है ये हमारे पास सॉइल है, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सॉइल है और सॉइल से जो हमारे पास रूट्स लाइक ऊपर जा रही हैं। ठीक है, चलें ये प्लांट ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे। अच्छा, अब हमें पता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, इसकी हम रूट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी रूट्स हो गई। तो रूट्स के जरिए वाटर ने ऊपर जाना है। कैपिलरी एक्शन का मतलब है कि किस तरह सॉइल से पानी ऊपर कैपिलरीज के जरिए जो है इसके पूरे पार्ट्स को मिलता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट टू प्लांट टू लीव। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट। ऐसा प्रोसेस जिसमें रूट से स्टेम में जिससे पानी जो है उसकी जो मूवमेंट की सीरीज है कि वो सॉइल से स्टेम में, स्टेम से फिर आगे उसके लीफ में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेपरेट से डिस्कस करेंगे उसको।